Swayam Prabha Digital India Educated India Namaskar मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग दो जैसा कि हम जानते हैं श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग दो प्रमुख रूप से कर्मचारियों को मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा और या उन्हें प्राप्त होने वाले अन्य लाभों के को केंद्र में रख करके आगे बढ़ता है इस संदर्भ में जो आज का व्याख्यान है इस व्याख्यान का शीर्षक है कारखानों में बच्चों और महिला श्रमिकों का कल्याण जब कारखाना स्थापित किया जाता है और उस कारखाने में बच्चों और महिलाओं को नियोजन में रखा जाता है उन्हें वहाँ पर कार्य दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए क्या उपबंध अपनाए जाते हैं इस व्याख्यान का जो प्रमुख विषय है वह इन प्रावधानों पर केंद्रित करना है इस व्याख्यान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु कारखाना अधिनियम के उपबंधों को जानना है हम सभी जानते हैं कि भारत में 1948 में कारखाना अधिनियम बनाया गया और यह कारखाना अधिनियम कारखाने कारखाना में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वहाँ काम करने वाले बच्चों के लिए महिलाओं के लिए एक आदर्श मानक की स्थापना करता है और कारखाना संचालकों से यह उम्मीद की जाती है कि उस मानकों के अधीन वह उपबंध करेंगे जिससे कि किसी भी कारखाना में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य उनकी सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए उपयुक्त उपाय किए जा सके इस संदर्भ में इस इस व्याख्यान में हम बच्चों के रोजगार के निषेध के प्रावधान को भी जानने का प्रयास करेंगे क्या बच्चों को हर प्रकार के कारखानों में नियोजित करने की अनुमति है या कुछ खतरनाक कारखानों में उन्हें नियोजित न करने का भी प्रावधान है इस संदर्भ में हम उस प्रावधान को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे बच्चों के नियोजन को निषिद्ध किया गया है इसके पश्चात हम गैर वयस्क श्रमिकों को टोकन रखने की जो आवश्यकता है उसको देखेंगे और उन्हें जो योग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उस योग्यता प्रमाण पत्र के बारे में जानेंगे टोकन रखने का यहाँ पर उद्देश्य यह होता है कि किसी कारखाने में यह पहचान किया जा सके कि कौन सा श्रमिक वयस्क नहीं है और वह वयस्क की श्रेणी में होगा तो उसके प्रति एक एक, एक जिम्मेदारी की भावना होगी उसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाएगा इस संदर्भ में इस व्याख्यान में हम किशोरों को योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की जो प्रविधि है उस उसको जानेंगे और साथ ही साथ प्रमाण पत्र जारी करने का क्या प्रभाव है उस प्रभाव को भी जानने का प्रयास करेंगे इस व्याख्यान में हम बालकों के लिए कार्य के घंटे और और बालकों के लिए जो कार्य की अवधि है उसके संबंध में जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों को समझेंगे और इस प्रावधानों के हेतु जो पुस्तिका का रख रखाव किया जाता है रजिस्टर रखा जाता है उसकी चर्चा हम करेंगे इस व्याख्यान में हम बालकों की स्वास्थ्य की परीक्षा की जो अपेक्षा है उसको भी ध्यान में रखेंगे ऐसे किसी कारखाने में जहां बालकों को नियोजन में रखा जाता है वहां पर कार कारखाना संचालकों पर यह एक अतिरिक्त आवश्यकता अधिरोपित कर दी जाती है कि वह समय समय पर बालकों के स्वास्थ्य की परीक्षा करते रहें इसके पश्चात हम इस व्याख्यान में महिलाओं के रात में काम करने पर प्रतिबंध के जो उपबंध हैं उसको भी समझेंगे उसको जानने का प्रयास करेंगे और और यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों महिलाओं को रात में काम करने पर प्रतिबंधित किया गया है इसके पश्चात हम इस व्याख्यान में इस व्याख्यान में उप क्षेत्र कार्य का निषेध और मातृत्व लाभ प्रदान किए जाने के जो प्रावधान हैं उस प्रावधानों की विस्तृत चर्चा करेंगे इसके पश्चात हम धुलाई शौचालयों मूत्रालयों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों की चर्चा करेंगे और इस व्याख्यान के अंत में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि गृह शिशु के लिए क्या क्या प्रावधान है अगर कोई महिला कारखाने में काम कर रही है और उसके उसका एक कोई नवजात शिशु है तो क्या उस नवजात शिशु की देखभाल के लिए कोई उपबंध कारखाने में किया गया है या नहीं किया गया है इसके लिए क्या मानक है इन मानकों की हम चर्चा इस व्याख्यान में करेंगे जैसा हम सभी जानते हैं कि उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में कारखानों की संख्या में एक, एक बहुत तेज़ी हो गई ढेर सारे कारखाने स्थापित किए गए और उस समय भारत में कारखाना अधिनियम जैसा कोई विधिक प्रावधान नहीं था कारखाने तो बनाए जा रहे थे कारखाने स्थापित किए जा रहे थे लेकिन उन कारखानों में कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए उनकी सुरक्षा के लिए उनके कल्याण के लिए कोई विशिष्ट मानक नहीं माना जा रहा था तो ऐसे स्थिति में यह देखा गया कि कारखानों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन उन कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा उनके स्वास्थ्य के पर्याप्त रक्षा या फिर उनके कल्याण के लिए उपयुक्त प्रावधान नहीं किए जा रहे थे ऐसी स्थिति में कारखाना अधिनियम अधिनियम उन्नीस जो कि सामान्यतः यह माना जाता है कि यह सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना पर आधारित एक 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 विधि है और यहाँ पर इस अधिनियम के माध्यम से कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य उनके सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रावधान किए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि कारखानों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ही यह आवश्यक हो गया था कि कारखानों का जो प्रशासन हो वह उचित रूप से चले और कारखानों के उचित प्रशासन के हे हेतु भारत में 1948 में कारखाना अधिनियम 1948 पारित किया गया यह अधिनियम कारखानों में श्रम को विनियमित करता है अगर कारखाना में कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है और वहाँ पर उसके श्रम का शोषण हो रहा है किसी कारखाने में किसी श्रम का शोषण इन अर्थों में हो सकता है कि उस कारखाना में उस कर्मचारी को पर्याप्त सुरक्षा पर्याप्त उसको उसको स्वास्थ्य की रक्षा या फिर उसको बहुत कल्याण की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और ऐसी स्थिति में उसके श्रम का वहाँ पर शोषण हो रहा है तो कारखाना अधिनियम के बनाए जाने का उद्देश्य था कि ऐसे श्रम के शोषण को रोका जा सके और साथ ही साथ जो कार्य करने की परिस्थितियां हैं जिसके अधीन कोई कर्मचारी किसी कारखाने में काम करता है उसको मानवीय बनाया जाए इस संदर्भ में माना यह जाता है कि जो कारखाना अधिनियम 1948 बना इसके पीछे का उद्देश्य यह था कि जो उस समय के अंतर्राष्ट्रीय मानक थे और, और जिन मानकों के अनुरूप उस समय के जो जो विकसित राष्ट्र थे वहाँ पर कारखानों की स्थापना की गई थी अगर ऐसे मानकों को भारत में भी लागू किया जाता है तो स्वतः ही कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों की कर्मचारियों की जीवन गुणवत्ता बढ़ेगी और उन्हें उन विधियों का लाभ उनके स्वास्थ्य के संबंध में उनके सुरक्षा के संदर्भ में और उनके कल्याण के संबंध में मिल सकता है ऐसी स्थिति में जो कारखाना अधिनियम है ये कारखाना अधिनियम उचित और सभ्य आजीविका को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है अर्थात अगर श्रम का शोषण नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में किसी किसी कर्मचारी को जो कार्य करने की परिस्थितियां हैं वो सभ्य होंगी और उसके आधार पर वह कर, कर्मचारी अपनी आजीविका को सुनिश्चित कर पाए इसके साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि जब कोई कर्मचारी किसी कारखाना में काम कर रहा है और उस कारखाने की जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत खतरनाक हैं वहाँ सुरक्षा को लेकर के स्वास्थ्य को लेकर के और कल्याण को लेकर के अनेक प्रकार की समस्याएं हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसा कर्मचारी अपने कारखाने के जो 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 उसके कार्य के स्थान हैं उसमें और अपने सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा था तो कारखाना अधिनियम बनाने का यह भी एक उद्देश्य था कि अगर उसके स्वास्थ्य की उसके सुरक्षा की और उसके कल्याण की बातों को यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा कोई कर्मचारी जो किसी कारखाने में कार्य कर रहा है वह कर्मचारी अपने कारखाने और और सामाजिक जीवन दोनों जीवन में एक सामंजस्य स्थापित कर पाएगा हम सभी जानते हैं कि कारखाना अधिनियम सामाजिक सुरक्षा की संकल्पना पर आधारित एक अधिनियम है और, और यहाँ पर जब किसी नियोक्ता के द्वारा या फिर किसी कारखाना संचालक के द्वारा कारखाना की स्थापना की जाती है तो कारखाना की स्थापना के उपरांत वहाँ पर कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है यहाँ पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और और लोक कल्याणकारी राज्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह देखे कि क्या उस कारखाने में जो पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के उपाय हैं उसका जो 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 लाभ है वह कर्मचारियों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और इस संदर्भ में कारखाना अधिनियम को सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के रूप में देखा जा सकता है इस अधिनियम के द्वारा कर्मचारियों के स्वास्थ्य उनकी सुरक्षा और साथ ही साथ कल्याण के जो जो उपाय हैं उस उनको करने का प्रावधान किया गया और साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए जो छुट्टी आदि का प्रावधान है उसको भी करने का उपबंध किया गया है इस अधिनियम में काम इस अधिनियम के द्वारा कारखाना में काम करने वाले युवा व्यक्तियों महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है और ये उपबंध इन इन युवा कर्मचारियों बच्चों और और महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रख करके किया गया है हम सभी जानते हैं कि किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य के लिए जो आ, उसकी जो सीमा है उसके लिए जो एक बंधन है वह है आर्थिक असुरक्षा अगर सभी कर्मचारियों को सभी महिलाओं को सभी बच्चों को अगर बिना कार्य किए ही भुगतान किया जाए और वो लोग अपने जीवन का आनंद लेने लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जो आर्थिक विकास का जो 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 पहलू है वह अधूरा रह जाएगा और ऐसे बच्चों और और महिलाओं का उसमें कोई योगदान नहीं हो सकता वैसे भी इन बच्चों और महिलाओं के लिए वयस्कों के लिए उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें काम उपलब्ध कराया जाना सदा ही उपयुक्त माना जाता है ऐसी परिस्थिति में कारखाना अधिनियम कारखाना में काम काम करने वाले श्रमिकों के व्यावसायिक सुरक्षा की भी बात करता है कि कैसे उस व्यवसाय के द्वारा जो वहाँ पर कारखाना में होने वाली गतिविधियों के प्रकृति के अनुसार जो जो असुरक्षा की स्थिति पैदा होती है उसके आलोक में कैसे हम सुरक्षा को सुनिश्चित करें और, और इसके साथ ही साथ कारखाना अधिनियम बनने के बाद जो एक एक परिवर्तन आता है वह परिवर्तन यह है कि कारखाना अधिनियम के द्वारा जो विभिन्न मानक तय किए गए हैं चाहे वह स्वास्थ्य के लिए हो चाहे वह सुरक्षा के लिए हो चाहे वह कल्याण के लिए हो उन मानकों का प्रवर्तन किया जाना बहुत ही उच्च आदर्श के मानक बना देने के पश्चात अगर उन मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है उन मानकों का कार्यचारा कार... कारखाना संचालकों के द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो ऐसे में जो विधि का उद्देश्य है वह असफल हो जाएगा और इसी को सुनिश्चित करने के लिए कि विधि का उद्देश्य सफल हो इस संदर्भ में कारखाना अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि अगर कारखाना अधिनियम के किसी प्रावधानों का किसी नियोक्ता के द्वारा या कारखाना संचालक के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो ऐसा कारखाना का संचालक या नियोक्ता दंड का भागी होगा और ऐसा उल्लंघन एक अपराध की श्रेणी में आ, माना जाएगा जिसके लिए यहाँ पर उपबंध किया गया है कि ऐसा हर नियोक्ता या संचालक या तो एक वर्ष तक की कारावास की सज़ा के लिए या फिर एक लाख रुपए तक के जुर्माना के लिए या फिर अगर स्थिति बहुत गंभीर है तो दोनों से दंडित किया जा सकता इस तरह से हम देखते हैं कि कारखाना अधिनियम कुछ मानकों को निर्धारित करता है और यह अपेक्षा करता है कि कारखाना संचालक उन मानकों को पूरा करेंगे यदि इन मानकों को पूरा कर दिया जाता है तो आवश्यक रूप से उस कारखाना में काम करने वाले कर्मचारियों बच्चों महिलाओं उनकी सुरक्षा उनके स्वास्थ्य और उनके कल्याण को सुनिश्चित किया जा सकेगा इसी संदर्भ में इस व्याख्यान में हम आज देखते हैं कि कैसे कारखाना में काम करने वाले बच्चों और उन वहाँ पर काम करने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए प्रावधान बनाए गए हैं और कैसे उन प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए प्रयास किया जाता है महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु उपबंध कारखाना अधिनियम 1948 में यह उपबंध किया गया है कि कारखानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए और उन उस कारखानों में काम करने वाले बच्चों के लिए उनके कल्याण की रक्षा हेतु तो, उनके विशेष कल्याण के रूप में विशेष प्रावधान बनाए जाए और यह विशेष प्रावधान जो बच्चे और महिलाएं हैं उनकी कमजोर स्थिति को ध्यान में रख करके बनाया जाता है और पहले हम बच्चों से संबंधित जो विशिष्ट प्रावधान है उसकी चर्चा करेंगे तत्पश्चात महिलाओं से संबंधित जो प्रावधान है हम उसकी चर्चा करेंगे सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि कारखाना अधिनियम उन्नीस के कारखाना अधिनियम 1948 की धारा सड़सठ में बच्चों के रोजगार को निषिद्ध किया गया है यह कहता है कि एक बच्चा जिसने अपना चौदहवा वर्ष पूरा नहीं किया है जिसकी आयु अभी चौदह वर्ष नहीं हुई है उसे किसी भी कारखाने में काम करने से प्रतिबंधित किया जाएगा सुधारा तो सड़सठ का ये उद्देश्य है जो कि एक बाध्यकारी उद्देश्य है कि कारखाना में काम करने वाला कोई भी श्रमिक चौदह वर्ष से कम की आयु का नहीं होना चाहिए इसके साथ ही साथ जब हम संवैधानिक प्रावधानों को देखते हैं तो बच्चों के नियोजन को जो खतरनाक कारखाने हैं उद्योग हैं वहाँ प्रतिसिद्ध किया गया है लेकिन जब हम कारखाना अधिनियम की बात करते हैं तो कारखाना अधिनियम में कारखाना की प्रकृति का कोई जिक्र नहीं किया गया है यहाँ पर केवल यह उपबंद किया गया है कि किसी ऐसे बच्चे का जिसने अभी चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है उसे किसी कारखाने में नियोजन में नहीं रखा जाएगा यह धारा यह भी उपबंद करता है कि, कि किसी भी परिस्थिति में चाहे वह आपात स्थिति के मामले हों इस धारा के प्रावधानों को दूर करने के लिए किसी छूट की अनुमति नहीं दी जाएगी अर्थात धारा सड़सद के अधीन जो यह प्रावधान बनाए गए हैं यह प्रावधान हमेशा और हमेशा बाध्यकारी होंगे नियोक्ता पर यह एक दायित्व अधिरोपित किया गया है कि वह नियोजन देते समय यह देखें कि उसके यहाँ जो नियोजन के लिए आवेदन आ रहे हैं उसमें कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो चौदह वर्ष से कम का है अगर कोई चौदह वर्ष से कम का बच्चा नियोजन में आता है तो नियोक्ता उसे नियोजन देने के लिए बाध्य नहीं है और कारखाना अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ऐसे किसी बच्चे को कारखाना में नियोजन नहीं दिया जा सकता हम देखते हैं कि धारा सड़सठ में जो निषेध लगाया गया है यह निषेध एक पूर्ण निषेध है किसी भी परिस्थिति में इस निधि निषेध से छूट नहीं दिया जा रहा है इसका कोई अपवाद नहीं है अर्थात कर्मचा कारखाना संचालकों के लिए यह बाध्यकारी है कि वह अपने कारखाना में किसी ऐसे कर्मचारी को नियोजन पर ना रखें जिसकी उम्र चौदह वर्ष से कम है इसके साथ ही साथ नियोक्ता के ऊपर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वह उन बच्चों की उम्र का पता लगाए अगर कोई बच्चा अपनी उम्र को छुपा करके किसी कारखाने में नियोजन में जा रहा है और वहाँ पर नियोक्ता इस प्रश्न को नहीं देखता है वह यह नहीं सुनिश्चित करता है कि इस बच्चे की आयु क्या है और ऐसे में वह उस बच्चे को नियोजन में रख लेता है और बाद में पाया जाता है कि वह बच्चा चौदह वर्ष से कम का था और धारा सड़सठ के उल्लंघन के लिए नियोक्ता को दोषी पाया जाता तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता यह नहीं कह सकता कि उसको यह नहीं पता था कि बच्चे की उम्र क्या है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए शुरुआत में ही प्रावधान बना दिया गया है जब धारा सड़सठ में यह कहा गया है कि नियोक्ता के ऊपर यह कर्तव्य होगा नियुक्ता का यह दायित्व होगा कि यह सुनिश्चित करे कि उसके यहाँ नियोजन में आने वाले किसी बच्चे की उम्र क्या है यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियुक्ता का कर्तव्य है कि वह उन बच्चों की उम्र का पता लगाए जिन्हें वह अपने कारखाने में काम करने की अनुमति देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी मामले में जब यह पाया जाए कि बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम थी और इस प्रावधान के उल्लंघन के लिए किसी नियोक्ता या कारखाना कार संचालक को जिम्मेदार पाया जाता है तो वहाँ पर ऐसा कोई नियोक्ता या संचालक यह नहीं कह सकता है कि उसे पता नहीं था कि बच्चे की उम्र क्या है ऐसे लोगों के लिए शुरू में ही यह कर्तव्य अध्योपित कर दिया है कि वह बच्चे का उम्र का पता लगाए इसके पश्चात नियोक्ता के लिए यह भी आवश्यक है कि वह आवेदक के बयान पर निर्भर नहीं रहे वह बच्चा जो नियोजन के लिए आया हुआ है जिसे अपने आर्थिक सुरक्षा हेतु काम की आवश्यकता है और उस काम की तलाश में वह कारखाना में काम करने को तैयार हो गया है काम कारखाना में काम करने के लिए आया है और वह यह कहता है कि मेरी उम्र 14 वर्ष से अधिक है तो केवल उसके बयान पर निर्भर हो के उसे नियोजन में रखना नियोक्ता के द्वारा या कारखा, का, का, कार, कार, कारखाना संचालक के द्वारा एक भूल होगी और ऐसे भूल को यहाँ पर क्षम्य नहीं माना गया अर्थात कारखाने के नियोक्ता या संचालक के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वह जो जो बच्चा है जो नियोजन के लिए आ रहा है उसकी बात पर विश्वास ना करके वह इस बात का का आ, आ, पता लगाए कि उस बच्चे की वास्तविक उम्र क्या है इसके पश्चात यह भी देखा गया है कि बच्चा वह जिसने अपनी पंद्रहवें वर्ष की आय पूरी नहीं की है जो अभी चौदह वर्ष का हुआ है पंद्रह वर्ष की आय पूरी नहीं की है उसे नियोजन में नहीं रखा जाएगा क्योंकि यह धारा केवल चौदह वर्ष के से कम के उम्र के बच्चों पर लागू होती है इसलिए इस स्पष्ट रूप से चौदह वर्ष के ऊपर के आयु के बच्चों पर लागू नहीं होती है अर्थात अगर कोई ऐसा बच्चा आ, किसी कारखाने में काम करने के लिए आता है जिसकी आयु पंद्रह वर्ष है चौदह वर्ष की आयु पूरा हो करके के वह उसके ऊपर वो जा रहा है या फिर आयु पंद्रह वर्ष बताता है तो ऐसी स्थिति में कारखा कारखाना संचालक या फिर कारखाना नियोक्ता के लिए यह उचित होगा कि उसको वह नियोजन पर रखें अर्थात हम कह सकते हैं कि, कि किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी जो एक बच्चे के रूप में हो सकता है उसके लिए न्यूनतम आयु चौदह वर्ष पूरी होनी चाहिए अब हमें यहाँ पर यह समझना चाहिए कि क्यों यह आ, आ, यहाँ पर आयु का एक एक लिमिट लगाया गया है क्यों उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है यहाँ पर जो प्रतिबंध लगाया गया है इस प्रतिबंध के पीछे एक लोक कल्याण एक कल्याण की भावना निहित है बच्चों के कल्याण हेतु तो यहाँ पर यह प्रयास किया गया है कि चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चे नियोजन में ना आए उन्हें पढ़ाई करने का या फिर अन्य गतिविधियों के लिए उनके उनको भरपूर समय मिले और साथ ही साथ अगर वो नियोजन में आते हैं कारखाने में काम करते हैं और उसके उपरांत उनके जीवन के प्रति अगर वहाँ पर कोई खतरनाक स्थिति पैदा होती है तो सर्वदा ही यह बच्चे के कल्याण के विरुद्ध होगा तो कल बच्चे के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर बच्चे के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है इसके पश्चात जो वयस्क श्रमिक हैं जो चौदह वर्ष की अवस्था पूरी करने के बाद किसी कारखाने में जिनको नियोजन में रखा जाता है लेकिन जिन्होंने अभी अट्ठारह वर्ष की अवस्था को पूरा नहीं किया है उन्हें गैर वयस्क श्रमिक कहा जाता है ऐसे वयस्क श्रमिक के लिए भी आवश्यक है कि कारखाना का जो संचालक है और और जो उसका नियोक्ता है इनके कल्याण को ध्यान में रखें ऐसी स्थिति में ऐसे वयस्क श्रमिकों के लिए टोकन रखने की आवश्यकता का प्रावधान यहाँ पर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा अड़सठ में किया गया है यह यह इस की धारा अड़सठ गैर वयस्क श्रमिकों को टोकन रखने की आवश्यकता को निर्धारित करता है एक बच्चा जिसने 14 वर्ष की आयु पूरा कर ली है और और जो किशोरावस्था की स्थिति में आ गया है उसे किसी कारखाने में आ, काम पर रखा जा सकता है और अगर उसे कारखाने में काम पर रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में इसकी अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि उसे एक सक्षम प्रमाणित सर्जन द्वारा योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता अर्थात अब यहाँ पर एक एक और आवश्यकता यहाँ पर जोड़ी गई है वह आवश्यकता यह है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा बच्चा अनियोजन में आ रहा है जिसने अपने चौदह वर्ष की आयु तो पूरा कर लिया है लेकिन अभी वयस्क नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में उसके स्वास्थ्य का स्तर क्या है और उसके लिए यहाँ पर एक सक्षम प्रमाणित सर्जन द्वारा योग्यता का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा उसके पश्चात ही उस बच्चे को कारखाने में नियोजन के लिए रखा जाएगा इसके पश्चात यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि जो यह स्वास्थ्य के प्रमाण की आवश्यकता है यह भी कहीं ना कहीं उस बच्चे के कल्याण को ध्यान में रख के बनाया गया है इसके पश्चात ऐसा प्रमाण पत्र कारखाने के प्रबंधक की अभिरक्षा में होगा जो भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है किसी गैरवयस्क कर्मचारी के संदर्भ में और यह प्रमाण पत्र सर्जन द्वारा योग्यता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है यह प्रमाण पत्र हमेशा और हमेशा कारखाना का जो प्रबंधक है उसकी अभिरक्षा में होगा उसकी अभिरक्षा में रखने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उस कारखाना का जो प्रबंधक है उसको यह पता हो कि यहाँ पर कौन सा आ, वयस्क गैर वयस्क कर्मचारी काम कर रहा है यहाँ पर कौन सा ऐसा कर्मचारी काम कर रहा है जिसके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है इसके साथ ही साथ यहाँ पर यह भी आवश्यकता अधिरोपित की गई है कि जब भी कोई गैर वयस्क व्यक्ति जो चौदह वर्ष से ऊपर की आयु का है लेकिन अभी अठारह वर्ष की आयु पूरा नहीं किया हुआ है ऐसे गैर व्यक्ति व्यक्ति को जब काम पर लाया जाता है तो ऐसे प्रमाण पत्र का संदर्भ देते हुए एक टोकन ले जाएगा और और वह टोकन उस गैर वयस्क कर्मचारी के पास होगा उस टोकन के आधार पर यह चिन्हित किया जा सकता है आसानी से चिन्हित किया जा सकता है कि किसी कारखाना में वह कौन कर्मचारी है जो अभी गैर वयस्क है यहाँ पर भी कल्याण की भावना छिपी हुई है अगर कोई कर्मचारी गैरवयस्क है तो उसके जो साथी कर्मचारी हैं जो अनुभवशील हैं जिन्हें कारखाने में कार्य करने का अनुभव है जिन्हें यह पता है कि कारखाने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कौन कौन सी खतराएँ कौन कौन सी खतरे उत्पन्न हो सकती हैं इन सारी चीज़ों की जानकारी वो ऐसे टोकनधारी गैरवयस्क कर्मचारियों को देंगे इस तरह इस उपबंध में भी लोक कल्याण की भावना लोक कल्याण ना कहें कल्याण की भावना उस उस कर्मचारी के कल्याण की भावना निहित है यहाँ पर हम यह देखते हैं कि धारा अड़सठ का जो विस्तृत उद्देश्य है वह उद्देश्य युवा श्रम जो वयस्क वयस्क श्रम है उसके शोषण को रोकना है अगर यह प्रमाणित किया जाता है कि ऐसा कोई आ, गैरवयस्क किसी कारखाने में नियोजित किया गया है और उसके पास टोकन है तो वहाँ पर उसके आधार पर उसे चिन्हित किया जाएगा और उसके श्रम का शोषण नहीं किया जाएगा धारा अड़सठ के तहत यह जो उपबंध किया गया है यह मूल रूप से उस गैर वयस्क कर्मचारी के कल्याण के लिए किया गया है इसके पश्चात इस अधिनियम की धारा उनहत्तर में योग्यता के प्रमाण पत्र की बात की गई है योग्यता का प्रमाण पत्र तात्पर्य योग्यता का प्रमाण पत्र एक प्रमाणित सर्जन द्वारा युवा व्यक्ति या अभिभावक के आवेदन पर दिया जाता है जहाँ पर एक प्रमाणित सर्जन यह प्रमाणित करता है कि कोई गैर वयस्क कारखाने में कार्य करने के लिए योग्य है या नहीं है। अगर वह कारखाने में कार्य करने के लिए योग्य नहीं है तो उसके कल्याण को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति को ऐसे गैरवयस व्यक्ति को कारखाने में नियोजन से रखने से बचा जाएगा मना किया जाएगा आवेदन के साथ एक कारखाने के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज होगा कि युवा व्यक्ति को कारखाने में काम करने के लिए उपयुक्त प्रमाणित होने पर उसमें नियुक्ति किया जाएगा अर्थात जब भी किसी कारखाने में नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो यहाँ पर नियोक्ता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह आवेदकों को यह सूचित करे कि अगर कोई कर्मचारी वयस्क है तो वयस्क कर्मचारी की स्थिति में उसे तब तक नियोजन में नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसके पास प्रमाणित सर्जन के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र न हो हाँ यहाँ पर यह प्रावधान उपयुक्त बनाया गया है कि ऐसे प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु जो गैर वयस्क व्यक्ति है उसके जो अभिभावक हैं वो अभी आवेदन कर सकते हैं तो ऐसे आवेदन के पश्चात उन्हें जो एक एक योग्यता का प्रमाण पत्र मिलेगा उस योग्यता के प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसा कोई आ, गैर वयस्क व्यक्ति आवेदन की प्रक्रिया में शामिल होगा और उसके पश्चात ही उसे नियोजन का प्रस्ताव रखा जाएगा और वह किसी कारखाने में नियोजित किया जाएगा योग्यता के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन उस कारखाने के प्रबंधक द्वारा भी किया जा सकता है जिसमें युवा व्यक्ति काम करना चाहता है अगर कोई ऐसा गैर वयस्क व्यक्ति है कोई ऐसा युवा व्यक्ति है जो कारखाने में काम करने के लिए आवेदन देता है लेकिन उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र नहीं है योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं है तब प्रश्न यह उठता है कि क्या उसके आवेदन को निरस्त कर दिया जाए क्योंकि उसके आवेदन में योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं संलग्न किया गया है ऐसी स्थिति में धारा उनहत्तर में यह प्रावधान किया गया है कि जो आ, नियोक्ता है नियोक्ता अपनी तरफ से ऐसे किसी गैर वयस्क व्यक्ति के लिए जो प्रमाण पत्र की आवश्यकता है योग्यता के प्रमाण की आवश्यकता है उसके लिए वह सक्षम जो जो प्राधिकारी है उसके समक्ष आवेदन कर सकता है इसके पश्चात हम यह भी देखते हैं कि प्रमाणित करने वाला जो शल चिकित्सक है जो सर्जन है वह युवक की जांच करेगा और जांच करने के पश्चात कारखाने में काम करने की उसकी योग्यता पर अपना निर्णय देगा अर्थात किसी आ, आ, गैर वयस्क कर्मचारी के संदर्भ में वह शारीरिक रूप से कितना सक्षम है कारखाना में काम करने के लिए इसका निर्धारण एक, एक एक सक्षम प्राधिकारी के द्वारा एक एक सर्जन के द्वारा किया जाएगा और उसके पश्चात ही ऐसे किसी गैर वयस्क को नियोजन पर रखा जाएगा अब इस प्रावधान के पीछे का अगर हम आ, जो जो आशय है उसको समझने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कल्याण की भावना छिपी हुई है अगर कोई गैर गैरवयस्क कर्मचारी जो 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 नियोजन के लिए अपना आवेदन दे रहा है और वह शारीरिक रूप से कारखाना में काम करने के लिए सक्षम नहीं है और सर्जन के द्वारा उसे इसका प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि वहाँ पर यह प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे किसी अक्षम वयस्क गैरवयस्क व्यक्ति को नियोजन में ना रखा जाए क्योंकि अगर ऐसा कोई गैर वयस्क व्यक्ति अगर नियोजन में जाता है और और कारखाने में काम करता है तो ऐसी स्थिति में उसके स्वास्थ्य के प्रति ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं वहां पर उसके स्वास्थ्य को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस धारा में यह उपबंध किया गया है अब प्रश्न यह उठता है कि अगर किसी किशोर को किसी युवा को या फिर गैर वयस्क को ये तीनों शब्द एक ही अर्थ में लिए गए हैं अगर किसी वयस्क को कोई योग्यता का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो इसका प्रभाव क्या होगा क्या इसके आधार पर आ, उस उस गैर वयस्य को ये आज़ादी मिल जाएगी कि वह जा करके किसी कारखाने में काम करे और वहाँ उत्पन्न होने वाली खतरों से आ, के बीच में काम करने की अनुमति दी जाए ऐसी स्थिति में धारा सत्तर के जो प्रावधान हैं वह यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं यहाँ पर प्रावधान यह किया गया है कि एक किशोर जिसे वयस्क के रूप में काम करने के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दिया गया है उसे वयस्क माना जाएगा अब अब इस इस प्रावधान के पीछे का जो आशय है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे कि अगर सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जो एक सर्जन है एक शल चिकित्सक है उसके द्वारा यह एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है कि कोई गैर वयस्क कर्मचारी शारीरिक रूप से कारखाने में काम करने के लिए सक्षम है तो ऐसी स्थिति में उस गैर वयस्क कर्मचारी को उस कारखाने के संदर्भ में एक वयस्क कर्मचारी के समान माना जाएगा और और उस गैर वयस्क कर्मचारी को वयस्क कर्मचारी के समान माने जाने का तात्पर्य है कि उसे वह सभी सुविधाएं प्राप्त होंगी जो कि उस कारखाने में किसी वयस्क कर्मचारी को प्राप्त है इसके पश्चात यहाँ पर यह भी उपबंध किया गया है कि कोई महिला किशोर जो जो कोई महिला जो वयस्क है या कोई पुरुष जो वयस्क है जिसने सत्रह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है लेकिन जिसे एक वयस्क के रूप में कारखाने में कार्य करने के लिए योग्यता का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में उसे सुबह छः बजे से लेकर के शाम सात बजे के बीच में ही काम की अनुमति दी जाएगी अर्थात ऐसा कोई आ, आ, गैर वयस्क जो महिला हो या पुरुष हो अगर उसे प्रमाण पत्र तो जारी कर दिया गया है लेकिन अभी उसकी आयु सत्रह वर्ष नहीं हुई है अर्थात वो चौदह वर्ष के ऊपर नियोजन में आ रहा है लेकिन अभी सत्रह वर्ष की उसकी आयु नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में उसके कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह उपबंध बनाया गया है कि ऐसा कोई भी गैर वयस्क सुबह छः बजे से लेकर के शाम सात बजे के बीच में ही कार्य करेगा और और शाम को सात बजे से सुबह के छः बजे के बीच की जो रात्रिकाल का चक्र होगा उसमें उसे नियोजन पर नहीं रखा जाएगा यहाँ पर भी इस इस अधिनियम के पीछे का जो उद्देश्य है इस इस प्रावधान के पीछे का जो उद्देश्य है वह कहीं ना कहीं उस गैर वयस्य कर्मचारी के कल्याण का है इसके साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि धारा सत्तर के अधीन राज्य सरकार किसी कारखाने के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित सीमाओं को बदल दे ताकि ऐसी कोई भी धारा दस पी एम और, और रात को दस बजे से लेकर सुबह पाँच बजे के बीच किसी भी महिला और किशोर के रोज़गार को अधिकृत ना करें तो तो राज्य सरकार के पास यह एक एक विकल्प है कि किसी गैर वयस्क के काम करने के जो घंटे हैं उसको वह सुबह छः बजे से शाम सात बजे के बजाय उसे सुबह पाँच बजे से लेकर के रात को दस बजे तक कर सकता है अब अब राज्य के ऊपर यह निर्भर करता है कि क्या राज्य ऐसा कोई अधिसूचना ऐसी कोई अधिसूचना राजपत्र में जारी करता है जिसके माध्यम से वयस्क जिसने अभी सत्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है उसके कार्य के घंटों को बढ़ाया जाए अब इसके पश्चात बालकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हम यहाँ पर बालकों को जो वयस्क हैं उनके जो कार्य के घंटे हैं उसकी चर्चा करेंगे क्या किसी गैर वयस्क के कार्य के घंटों की की, की तुलना वयस्क कर्मचारी के कार्य के घंटों की तुलना से की जाना की जानी उचित होगी ऐसे संदर्भ में प्रावधान इस अधिनियम की धारा इकहत्तर में दिया गया है जिसके अनुसार किसी भी बच्चे को किसी कारखाने में नियोजित या काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती यदि किसी भी दिन साढ़े चार घंटे से अधिक के लिए उसको नियोजन में रखा जाता है तो अब यहाँ पर यह जानना महत्वपूर्ण हो गया है कि बच्चे के कल्याण को ध्यान में रख कर के एक व्यस्क के कल्याण को ध्यान में रख कर के यहाँ पर यह प्रावधान दिया किया गया है कि ऐसे गैर व्यस्क को जिसने अभी सत्रह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है उसे एक दिन में अधिकतम और केवल साढ़े चार घंटे तक ही काम करने की अनुमति हो ऐसे गैर वयस्क कर्मचारियों को साढ़े चार घंटे से अधिक समय के लिए नियोजन में एक दिन के लिए नहीं रखा जा सकता उनके जो कार्य की अवधि होगी वो साढ़े चार घंटे होगी अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ये देखें कि जो साढ़े चार घंटे की यह अवधि है यह अवधि हमेशा और हमेशा सुबह छः बजे से ले शाम सात बजे की अवधि के बीच में ही होगा तो इन इन दोनों प्रावधानों का एक सम्मिलित प्रभाव यह होगा कि किसी गैरवयस्क कर्मचारी को सुबह छः बजे से लेकर शाम सात बजे के बीच में कार्य करने के लिए अनियोजित नियोजन में रखा जाएगा और उस दौरान उसका एक दिन में जो अधिकतम कार्यावधि होगी वो साढ़े चार घंटे ही होगी इसके पश्चात हमने यह भी देखा कि किसी गैरवयस्क के जो कार्य की अवधि है वह रात्रि दस बजे से लेकर के सुबह छः बजे को के बीच के अंतराल के सहित 12 घंटों के अंतराल की अवधि होनी चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि जो दो दिन कार्य कर रहा है कोई गैरवयस्क उन दो दिनों के दो 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 अवधियों के बीच में 12 घंटे से कम का गैप रखा जाए अगर 12 घंटे से कम का गैप रखा जाता है या फिर इस तरह से देखें कि एक गैर वयस्क को एक दिन में साढ़े चार घंटे काम करना है तो कारखाना में जो कारखाने का संचालक है वह यह उपबंध कर सकता है कि वह चार घंटा सुबह में काम करेगा चार घंटे शाम में काम करेगा और उससे चार घंटे से, से ज़्यादा काम एक दिन में करवा सकता है तब उस संदर्भ में यहाँ पर उपबंध किया गया है कि वहाँ पर उसके दो कार्य अवधियों में साढ़े चार चार घंटे की जो उसकी दो कार्य अवधि है उन दो कार्य अवधि के बीच में कम से कम 12 घंटे का एक एक मिनिमम अंतराल होना आवश्यक है इस उपबंध के आधार पर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कोई जो गैर वयस्क कर्मचारी है वह 24 घंटे के दौरान केवल साढ़े चार घंटे काम करेगा इसके पश्चात हमने यह भी देखा कि एक कारखाने में कार्यरत सभी बच्चों के काम की अवधि दो पालियों तक ही सीमित होंगी अर्थात उन्हें रात्रि की जो पाली होगी सुबह और शाम की पाली में रखा जा सकता है रात्रि की पाली में उन्हें काम पर नियोजन में नहीं रखा जाएगा ऐसे प्रत्येक बच्चे को केवल एक रिले में नियोजित किया जाना चाहिए जिसे तीस दिनों में एक बार से अधिक बार नहीं बदला रहना चाहिए जैसा हम सभी जानते हैं जब जब उद्योगों की बात होती है जब कारखानों की बात होती है तो कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के जो कार्य अवधि होती है वो निश्चित किया जाता है और उसके लिए हमने मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के प्रावधानों की चर्चा की तो ऐसी स्थिति में प्रश्न ये उठता है कि क्या उस कारखाने में जो उत्पादन की गतिविधियां हैं वह केवल उस अवधि तक ही संचालित होती हैं क्या उसके पश्चात वह कारखाना बंद हो जाता है या फिर वहाँ पर मशीनें काम करना बंद कर देती हैं तो ऐसा नहीं है जो उद्योग हैं वह दिन में चौबीसों घंटे चलते रहते हैं और वहाँ पर कर्मचारियों को शिफ्ट के बेसिस पर नियोजन में रखा जाता है तो वयस्क के संदर्भ में जो शिफ्ट के नियम हैं वो डिफ़रेंट हो सकते हैं व भिन्न हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर जब गैर वयस्क कर्मचारियों की बात आती है तो यहाँ पर यह उपबंध किया गया है कि ऐसे किसी शिफ्ट में जो बच्चे को लेकर के नियोजित किया जाना है वहाँ पर उसका शिफ्ट तीस दिनों में केवल के के एक बार बदला जा सकता है उसे हर हफ्ते के आधार पर दो हफ्ते के आधार पर नहीं बदला जा सकता उसे तीस बार तीस दिनों में केवल एक बार बदला जा सकता है वह सुबह के शिफ्ट में काम करने आएगा वह शाम के शिफ्ट में काम करने आएगा उसका जो निर्धारण होगा वह तीस दिनों के अंदर केवल एक बार ऐसा निर्धारण होगा अर्थात अगर एक बार यह निर्धारित कर दिया जाता है कि कोई वयस्क सुबह की शिफ्ट में साढ़े चार घंटे का कार्यावधि में वो काम करेगा तो यह नियम अब अगले तीस दिन तक लागू होगा अगर उसे शाम के शिफ्ट में बुलाना है यह ध्यान देते हुए कि सात बजे के बाद उसे नियोजन में नहीं रखना है तो वहाँ पर शिफ्ट अगर 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 उसकी अनुमति है तो उस अनुमति को देखते हुए शिफ्ट को परिवर्तित किया जा सकता है लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली जो बातें यह है कि ऐसा शिफ्ट का परिवर्तन महीने में अधिकतम एक बार किया जा सकता है इसके पश्चात इस धारा में यह भी उपबंध किया गया है कि सुबह आठ बजे से लेकर के शाम सात बजे को छोड़ करके किसी भी महिला बच्चे को किसी भी कारखाने में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी यह बहुत ही स्पष्ट प्रावधान है और यह प्रावधान बच्चों के कल्याण के लिए साथ ही साथ महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रख कर के बनाया गया है जो यह कहता है कि किसी भी कारखाने में जो वयस्क हैं जो किशोर हैं जो बच्चे हैं उनके जो कार्य का कार्यावधि होगी वह हमेशा और हमेशा सुबह आठ बजे से शाम के सात बजे के बीच में होगी उसके अतिरिक्त उनसे काम नहीं कराया जा सकता अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि बालकों के कार्य के लिए कार्य अवधि और रजिस्टर का उपबंध किया गया है बालकों के लिए कार्य अवधि की सूचना का प्रावधान इस अधिनियम की धारा बहत्तर में की गई है जो कहता है कि प्रत्येक कारखाने को बच्चों के लिए कार्य अवधि की सूचना प्रदर्शित और सही ढंग से बनाए रखनी चाहिए अगर किसी कारखाने में कोई गैर वयस्क काम कर रहा है तो उस गैरवयस्क की कार्य अवधि क्या है उसकी सूचना को प्रदर्शित करने के लिए एक दस्तावेज बनाया जाएगा और उसको सुचारू रूप से रखा जाएगा इसके पश्चात यह भी देखा जाता है कि कारखानों में काम करने वाले गैर वयस्कों के संदर्भ में वहाँ पर गैर वयस्क कर्मकारों के का एक रजिस्टर रखा जाता है जिसमें उनकी सारी सूचनाएं विनिर्दिष्ट की जाती हैं अंकित की जाती हैं जैसे प्रत्येक कारखाने का प्रबंधक जिसमें बच्चे कार्यरत हैं बाल श्रमिकों का एक रजिस्टर बनाए रखेगा अब आवश्यकता यह है कि हम जाने कि उस रजिस्टर में क्या क्या सूचनाएं होंगी यह कहता है कि कारखानों में काम करने वाले प्रत्येक गैर वयस्क जो कर्मचारी हैं जो बालक हैं उसका नाम क्या है रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा साथ ही साथ उसके कार्य की प्रकृति क्या है उसको भी रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा अब यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह हैं कि अधिनियम के द्वारा जब दस्तावेज रजिस्टर को 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 आ, रखने की बाध्यता यहाँ पर अधिरोपित कर दी गई है तब यहाँ पर जो कारखाना का संचालक है या फिर कारखाने का जो नियुक्ता है वह ऐसा नहीं कर सकता कि, कि जो जो बाल श्रमिक हैं जो वयस्क कर्मचारी हैं उनको किसी खतरनाक नियोजन में रखे क्योंकि उसे यह बताना है कि इन श्रमिकों की जो जो कार्य की प्रकृति क्या है और अगर ऐसी प्रकृति खतरनाक पाई जाती है तो यह सर्वदा ही ऐसे किसी गैर वयस्क कर्मचारी के कल्याण के विरुद्ध होगा इसके साथ ही साथ उस समूह की भी उस उस रजिस्टर में एंट्री की जानी है चर्चा की जानी है जिस समूह में वो शामिल किया गया है और उसके पश्चात जहाँ उसका समूह पाली में काम करता है शिफ्ट में काम करता है वह टोली जिससे उसे आवंटित किया जाता है उसका भी वहाँ पर जिक्र किया जाएगा शिफ्ट का वहाँ पर जिक्र किया जाएगा और और इसके साथ ही साथ ऐसे प्रत्येक गैर वयस्क कर्मचारी का जो प्रमाण पत्र उसको योग्यता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है उस योग्यता के प्रमाण पत्र का जो नंबर होगा उसका जो संख्यांक होगा उस संख्या को भी उस उस आ, रजिस्टर में अंकित किया जाएगा अर्थात उस रजिस्टर से हमें यह सूचना मिलती है कि, कि किसी उद्योग में किसी कारखाने में वह कौन से कर्मचारी हैं जो वयस्क हैं उनके कार्य की प्रकृति क्या है और और वह जिस समूह में कार्य करते हैं वह समूह कौन सा है और साथ ही साथ आ, उनके जो जो योग्यता प्रमाण पत्र उनके लिए जारी की गई है उस योग्यता प्रमाण पत्र का संख्या क्या है इसके साथ ही साथ बालकों के लिए कार्य अवधि और, और रजिस्टर की जो बात हम करते हैं तो यहाँ पर किसी भी बाल श्रमिक को किसी भी कारखाने में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसका अन्य विवरण बाल श्रमिकों के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता है यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वह प्रावधान आ, धारा तिहत्तर आ, आ, एक ओ में जोड़ा गया है जो यह कहता है कि ऐसे किसी गैर वयस्क श्रमिक को कार्य कर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसकी सारी सूचनाएँ उसके लिए जो जो निर्धारित रजिस्टर है उसमें अंकित न कर दी जाए जब किसी कारखाने में गैर वयस्क कर्मचारियों के लिए वह रजिस्टर रखा जाता है तो यह रजिस्टर हमेशा और हमेशा जो कारखाने का निरीक्षक होता है उसको उपलब्ध होता है और यह निरीक्षक इस इस इनके कार के घंटों के दौरान जब कभी कारखाने में काम किया जा रहा है तो वहाँ जा कर के उसको देख सकता है और यह जान सकता है कि यहाँ पर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जो कि गैर गैरवयस्क हैं और और इन गैर गैरवयस्क कर्मचारियों की कार्य की प्रकृति क्या है इसके पश्चात यहाँ पर यह भी उपबंध किया गया है कि राज्य सरकार बाल श्रमिकों के रजिस्टर का जो प्रपत्र निर्धारित है निर्धारित कर सकती है और उस प्रपत्र के माध्यम से ही बाल श्रमिकों की सूचनाओं को वहाँ पर एकत्रित करके रखा जाएगा इसके साथ ही साथ इस इस अधिनियम के तहत धारा पचहत्तर में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षा की अपेक्षा भी की गई है यहाँ पर यह उपबंध किया गया है कि एक निरीक्षक को कारखाने के प्रबंधक को एक नोटिस देने की शक्ति है जिसमें उसे उस युवा व्यक्ति जो गैर वयस्क कर्मचारी है उसके चिकित्सा की जांच के लिए कहा जाए अर्थात यहाँ जो कारखाने का निरीक्षक है उसको यह शक्ति प्रदान की है की गई है कि वह ऐसे किसी निरीक्षण के पश्चात अगर यह पाता है कि एक कारखाने में गैरवयस्क वैस, गैर वयस्क व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उस गैर वयस्क व्यक्ति के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाए और और उसे परीक्षण के पश्चात एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा प्रमाण पत्र दिया जाएगा और और वह प्रमाण पत्र के साथ वहाँ पर काम करेगा इसके साथ ही साथ ऐसा युवा व्यक्ति यदि निरीक्षक ऐसा निर्देश देता है तो उसे तब तक किसी कारखाने में नियुक्त या काम की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसे फिटनेस का प्रमाण पत्र न दिया जाए अर्थात निरीक्षक का यह दायित्व तो है और यह दायित्व तो सामान्यतः गैर वयस्क कर्मचारियों के कल्याण को ध्यान में रखते रख करके अधिरोपित की गई है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी गैर वयस्क व्यक्ति को तब तक कार्य करने की अनुमति ना हो जब तक कि उसे योग्यता का प्रमाण पत्र न दिया गया हो और उस योग्यता के प्रमाण पत्र के सुनिश्चित किए जाने है तो जो निरीक्षक है वह नियोक्ता से ऐसे गैर वयस्क कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कह सकता है इसके पश्चात हम महिलाओं की आ, आ, रक्षा या उनके कल्याण हेतु जो सुरक्षात्मक प्रावधान किए गए हैं उस पर चर्चा करते हैं और और इसका प्रावधान हमें शुरुआत में धारा बाईस दो में मिलता है जो कहता है कि किसी भी महिला को प्राइम मूवर या फिर ट्रांसमिशन मशीनरी के किसी भी हिस्से को साफ़ करने चिकनाई या समायोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जबकि वह प्राइम मूवर अब मशीनरी कार्य स्थिति में हो यहाँ पर महिलाओं की कल्याण को ध्यान में रख कर के महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रख कर के महिलाओं को ऐसे मशीन के पास कारखाने में कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है जो गति की अवस्था में है और ऐसी मशीन की सफाई वगैरह करने की भी अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि ऐसी स्थिति में वहाँ पर महिलाओं के कल्याण के विरुद्ध एक परिस्थिति पैदा हो सकती है किसी भी मशीन के किसी भी हिस्से को साफ़ करने चिकनाई या समायोजन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसकी सफाई चिकनाई या समायोजन से महिला को उस मशीन के चलने वाले हिस्से के समुख जाना हो और उससे कोई आसन खतरा पैदा होता है तो यह उपबंध भी महिलाओं के कल्याण को कल्याण यहाँ पर कल्याण में सुरक्षा का तत्व ज़्यादा है उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है धारा सत्ताईस यह प्रावधान करता है कि महिलाओं को फैक्ट्री के किसी भी हिस्से में कपास दबाने के काम के लिए नियोजन में नहीं रखा जा सकता है हम सभी जानते हैं कि जो कपास का आ, आ, उसका प्रेसिंग और उसका प्रोसेसिंग होता है उससे अत्यंत ही धूल पैदा होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को ऐसे नियोजन से दूर रखा गया है कारखाना अधिनियम में महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह उपबंध किया गया है और यह उपबंध आ, इस अधिनियम की धारा आ, छाछठ वन बी में दिया गया है जो यह कहता है कि महिलाओं को रात में आ, काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है यह उपबंध यह कहता है कि कारखाना अधिनियम उन्नीस की धारा छाछठ एक ब के तहत एक महिला को सुबह छः बजे से लेकर के शाम को सात बजे के बीच में ही नियोजन में रखा जा सकता है अगर अगर इन इसके अतिरिक्त नियोजन में उसे रखा जाता है तो ऐसी स्थिति में जो नियोक्ता है वो इसके लिए ज़िम्मेदार बना जाएगा इसके साथ ही साथ अगर हम बीडी और शिगार श्रमिक रोजगार की शर्तों के विनियमन को देखें जो जो उन्नीस में बनाया गया है तो उसकी धारा 25 में भी कहा गया है कि किसी भी महिला को सुबह छः बजे से लेकर के शाम सात बजे के अलावा किसी भी औद्योगिक परिसर में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी इसके साथ ही साथ अगर हम खान अधिनियम को देखें तो खान अधिनियम की धारा उन्नीस खान अधिनियम उन्नीस की धारा छियालीस सौ में भी यह उपबंध किया गया है कि महिलाओं को किसी खान में सुबह छः बजे के पहले और शाम को सात बजे के बाद नियोजन में नहीं रखा जाए अर्थात यहाँ पर महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह उपबंध किया गया है कि महिलाएं हमेशा और हमेशा सुबह छः बजे से लेकर के शाम सात बजे के बीच के दौरान ही किसी कारखाने में कार्य करेंगे इसके पश्चात महिलाओं हेतु तो उपछित्र कार्य का निषेध और, और मातृत्व लाभ की चर्चा करते हैं उप क्षेत्र कार्य का निषेध से यहाँ पर तात्पर्य है खान अधिनियम की धारा छियालीस एक बी के तहत खदान के किसी भी हिस्से में महिलाओं के रोजगार को प्रतिबंधित करने के लिए जो जमीन के नीचे हैं यहाँ पर उपक्षेत्र कार्य से तात्पर्य वह क्षेत्र है जहाँ महिला के लिए खतर खतरे की स्थिति पैदा हो सकती है और महिलाओं को वहाँ पर काम पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो जमीन के नीचे अगर अगर कोई कार्य क्षेत्र है वहां पर काम करना है तो महिलाओं को वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी वहां पर उनका नियोजन नहीं किया जा सकता है इसके पश्चात अगर हम मातृत्व लाभ की बात करें तो मातृत्व लाभ अधिनियम उन्नीस के तहत बच्चे के जन्म से पहले और बाद के कुछ अवधि के लिए जो सामान्यतः छब्बीस सप्ताह का होता है के लिए कुछ प्रतिष्ठानों में महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित किया गया है और मातृत्व लाभ प्रदान किया गया है इसके साथ ही साथ भवन और अन्य निर्माण रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तों अधिनियम उन्नीस सौ छियानवे में भी महिला लाभार्थियों को कल्याण निधि से मातृत्व लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है इसके साथ ही साथ महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उनके लिए आ, अलग से धुलाई की व्यवस्था शौचालय की व्यवस्था या फिर मूत्रालयों की व्यवस्था के प्रावधान को यहाँ पर इंगित किया गया है अलग से शौचालय और, और मूत्रालय की व्यवस्था उनकी जो 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 एकांतता का अधिकार है उसको भी सुनिश्चित करता है इसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए शिशु गृह के निर्माण का भी प्रावधान किया गया है जिससे कि वह महिला कर्मचारी जिसके पास नवजात शिशु है वह उसके वहाँ पर छोड़ करके काम कर सके और, और अंत में इस व्याख्यान में हम देखते हैं कि इस व्याख्यान में हमने महिलाओं और बच्चों के कल्याण हेतु तो जो विभिन्न प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों के तहत कैसे बच्चों के कल्याण जो कि गैर वयस्क कर्मचारी हैं उनके कल्याण के लिए या फिर महिलाओं के कल्याण के लिए उनके नियोजन पर प्रतिबंध अधरोपित किया गया है चाहे योग्यता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो या फिर उनके टोकन की आवश्यकता हो या फिर महिलाओं के संदर्भ में उनके लिए किसी कार्य उपक्षेत्र में जाने के लिए प्रतिबंध की आवश्यकता हो ये सारे के सारे उपबंध बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं इस तरह से हम देखते हैं कि कारखाना अधिनियम 1948 एक तरह से कारखाने में काम करने वाले वयस्क के साथ साथ गैर वयस्क कर्मचारियों और महिलाओं के लिए विशेष उपबंध करता है और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है धन्यवाद